हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, एसएससी ने 10वीं पास के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल के पद पर निकलने वाली है 56,717 भर्तियाँ। तो जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो उम्मीदवार अपनी आवेदन प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। तो बता दें आपको क्या है इसकी पूरी आवेदन की प्रक्रिया। दोस्तों, जैसा कि 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए एसएससी की तरफ से एक बड़ा तोहफा है। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी केंद्रीय सुरक्षा बल में कांस्टेबल जीडी 2018 के लिए सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल में खाली पड़े 56,717 पदों पर जल्दी भर्ती करने वाला है। खबरों के अनुसार इस महीने के अंत तक आयोग द्वारा आवेदन आमंत्रित कर दिए जाएंगे। जैसा कि गाइस, अभी तक आवेदन शुरू होने की तिथि तय नहीं की गई है, तो बेहतर है कि आवेदक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहें। इससे पहले कि आवेदन आमंत्रित किए जाए, हम आपको सरकारी नौकरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि आवेदन के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य मापदंड क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्टर्स डिटेल के विषय में। तो पहला आता है पदों की संख्या, इसमें 56,717 पद रिक्त है। तो वही दूसरा आता है शैक्षणिक योग्यता, तो बता दे आपको आवेदक का 10वीं पास होना जरूरी है। तो वही तीसरा पॉइंट आता है आयु सीमा। जी हाँ, आवेदक की आयु सीमा 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों अब आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट नोट क्या है। जी हाँ, पहले फरवरी में होने वाली थी इन पदों की घोषणा। जैसा कि कर्मचारी चयन आयोग कैलेंडर के हिसाब से पहले कांस्टेबल जीडी 2018 के लिए पदों की घोषणा फरवरी में होनी थी तथा ऑनलाइन परीक्षा के लिए 13 जून से 7 जुलाई 2018 के बीच का समय तय किया गया था, परंतु अब आवेदन मांगे जाने में देरी होने के चलते परीक्षा तारीख बाद पे घोषित होगी। वहीं एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल रचान के मुताबिक ऑनलाइन परीक्षा को लेकर आयोग द्वारा कुछ तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जिनके चलते आवेदन आमंत्रित करने में देरी हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आवेदन जारी होंगे। अभ्यर्थी को जरूरी है कि समय समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें, ताकि समय आने पर आवेदन किया जा सके। दोस्तों, अब जान लेते हैं अप्लाई प्रोसेस डिटेल के विषय में। तो पहला आता है चयन प्रक्रिया। जैसा कि अभ्यर्थियों के चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मानकों की जांच, शारीरिक दक्षता की जांच और मेडिकल टेस्ट के आधार पर ही होगा। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। तो बता दें आपको आयोग द्वारा आवेदन की तिथि जारी होने के बाद अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो कि www.ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।